सो हे गाइस यार, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जैसा कि आप लोग पार्ट फोर में देख ही चुके थे कि कैसे मतलब मैंने झूठ मूठ का प्रिंसिपल सर को बोल दिया था, तो प्रिंसिपल सर ने उसके प्रिया को पापा को कॉल करके स्कूल के ऑफिस में बुलाए। फिर उसके पापा ने प्रिया को बहुत डांटा और बोला कि अगर आज के बाद से अगर ऐसा कंप्लेन आया तो मैं तुम्हारा नाम स्कूल से कटा दूंगा। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि आगे क्या हुआ था। अगर जो भी भाई को हमारी इस वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो पार्ट वन से लेकर के फोर तक देख ले, तभी वीडियो समझ में आएगी मेरी लव स्टोरी। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक एकदम प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को अनसब्सक्राइब मतलब मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जब प्रिंसिपल ने कहा तुम सब अपने क्लास में जाओ, मतलब पूरा ड्रामा शुरू ख़त्म हो गया था। तो प्रिंसिपल सर ने कहा सब अपने अपने क्लास में चले जाओ। तो फिर आगे क्या हुआ चलो वो बताता हूँ। जब स्कूल की छुट्टी हुई थी तो प्रिया रास्ते में मेरा रास्ता रोक करके एक थप्पड़ मारा। यार क्या ही बोलो यार। फिर बोली तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसका बदला तो लेकर रहूँगी। मतलब समझ रहे हो गाइस, मेरा रिवेंज लेगी प्रिया। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि यार रिवेंज में क्या करेगी। तो मैं बहुत सावधानी से रहूँगा, मैंने अपने माइंड में सोच लिया। तो फिर प्रिया चली गई, तब मुझे बहुत एहसास हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। जब एक हफ्ता बीत गया तब उसके बाद प्रिया ने अपनी सहेली से बोली कि ये यतीश के फेवरेट दोस्त रमेश को तुम पटा लो, क्योंकि मुझे यतीश से बदला लेना है। मतलब समझ रहे हो गाइस, मतलब प्रिया ने अपने दोस्त को बोली कि मेरा दोस्त को पटा लेने के लिए, यानी कि मेरा रमेश मेरा फेवरेट दोस्त है ना। तो प्रिया बोल रही थी रमेश को पटा लो, मुझे यतीश से बदला लेना है। तब प्रिया की फ्रेंड सुनीता, मतलब प्रिया की फ्रेंड जो थी ना उसका नाम सुनीता थी, तो सुनीता ने मेरे दोस्त को लेटर लिखा और उसमें लिखा हुआ था रमेश आई लव यू, तुम जब भी क्लास में आते हो तब मेरा धड़कन तेज हो जाता है। यह लेटर रमेश को दे दिया। मतलब समझ रहे हो गाइस, मुझे फंसाने के लिए ये लोग साजिश रच रहे हैं, यानी कि प्रिया की फ्रेंड ने मेरे फ्रेंड को लेटर लिखा था। तो जब रमेश ने मुझे बोला कि प्रिया के दोस्त ने मुझे परपोज किया है, तो मैंने रमेश को बोला ये मुझसे बदला लेने का चाल होगा। तो रमेश ने मुझ पर बहुत गुस्सा हो गया यार और बोला तेरे पास जीएफ नहीं है इसलिए तू मुझसे जल रहा है। तो मैंने रमेश को एक थप्पड़ मारा जोर से। उसके बाद जो हुआ यार बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। आगे क्या हुआ हमारे साथ देखने के लिए पार्ट सिक्स का इंतज़ार कीजिए। और कमेंट पे आप लोग पार्ट सिक्स लिखते ही नहीं हैं यार, सभी बंदे लिख दो ना, तभी ना मैं ऐसी ऐसी रियल टाइम वीडियो लाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला नोटिफिकेशन को पचका देना। धन्यवाद।